बकेवर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम व्यासपुरा में गांव के ही दबंगों द्वारा एक वृद्ध विधवा महिला को बिना वजह परेशान करने के साथ यह दबंग के लोग आए दिन उनका उत्पीड़न कर रहे हैं और उसके मकान पर जबरन कब्जा करने का भी प्रयास कर रहे हैं। वहीं इस संबंध में ग्राम व्यासपुरा निवासिनी मुन्नी देवी पत्नी स्वर्गीय महेश दुबे करीब 65 वर्ष से सुबोध गुड्डू राकेश तथा अन्य लोग उन्हीं तथा उनके परिवारजनों को परेशान करने के साथ मकान पर गुंडागर्दी और आए दिन उनके पुत्र को घेराबंदी करके जान से मारने की धमकी देते हैं और कहते हैं कि पुलिस उनका कुछ नहीं कर सकती। वहीं दिनांक 12 फरवरी 2019 को उपरोक्त लोगों ने उनके घर का ताला तोड़कर घर गृहस्थी का सामान तथा गेहूं आदि चुरा लिया। जब उन्होंने इसकी सूचना 100 नंबर पुलिस को दी तो ये लोग पुलिस को देखकर वहां से भाग निकले। इसके बाद उन्होंने थाना प्रभारी बकेवर को भी अवगत कराया तो वह उनको ही डांटने लगे और बोले कि तुम बहाना बनाकर थाने में बवाल करती हो। वहीं प्रार्थी पुलिस तथा दबंगों से भयभीत है। थाना पुलिस दबंगों से मिली हुई और शिकायती प्रार्थना पत्रों पर कोई ध्यान नहीं दे रही, जिससे उपरोक्त दबंगों के हौसले भी बुलंद हो रहे हैं। मुन्नी देवी ने दिनांक 15 फरवरी को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी शिकायती प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिससे प्रार्थनी को जानमाल का खतरा पैदा हो गया है। यह लोग कभी भी संगीन वारदात करके बवाल बना सकते हैं। विधवा महिला ने नए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से इन दबंगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के साथ जानमाल की सुरक्षा की भी मांग की है। मकान में रहती उसी मकान पे आती है। हाँ, हम मकान पे रहती है ना, उसी पे खाली 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 करती है, नहीं करती है, खाली कर माता है। आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 4 बच्चे हैं और एक लड़की। 4 बच्चे आपके बाहर रहते हैं? बच्चे हाँ बाहर बाहर हम कमाल को नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं। वो बाहर नौकरी करते, प्राइवेट करते? हाँ प्राइवेट। ये आए दिन आप लोगों को परेशान करते हैं, करवा रही है। नाम आपने बताया आपकी, ये लोग परेशान करते हैं। झगड़ा कितने दिन से आपका चल रहा है? झगड़ा काफी दिन से चल रहा है, 16-17-18 साल है। नहीं, 30-30 साल। 30-35 साल हो गए। इसके पहले आपको घरेलू बंटवारा हो गया था? घरेलू बंटवारा 2003 में बंटवारा हुआ। बंटवारा हुआ 2003 तब से भी चल रहा है लगातार। ये लोग आपको परेशान करते हैं। ये घटना हुई है 12 तारीख को, आप दिल्ली में थी। आपके मकान का ताला तोड़कर सामान जो है इन लोगों ने सबूत दिन को दिए, सामान घर कर दिया, सामान आपका घर शीतल की बर्तन रखे और कुछ लकड़ी के बर्तन पड़े हैं, बक्सा रखा हुआ था। आप अपनी बात बताओ, लकड़ी की बात मत करिए। दो कुंटल गेहूँ और आप बताया कुछ मतलब अगर कहोगी तो तुमको उल्टा लिख के कुछ दे देंगे। और इसके अलावा कई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कई और प्रार्थना पर किए हैं, किसी तरह की है? हाँ, एसपी के हाँ, इसकी जांच चल रही है। हाँ, आपका जो झगड़ा चल रहा है मकान का, ये कौन कौन लोग आपको परेशान कर रहे हैं? आपके कौन लोग? मेरे दाऊ के लड़के हैं और लड़ने से कितने दिन चल रहा है? 31 साल हो गए और अभी 1 महीने से ज़्यादा इनको, 2 महीने पहले हमारे इन करवा कर लिया था इन्हें कब्जा, जब एप्लीकेशन दे के हाँ तब हटवा दिए वहाँ से। फिर कह जाएगा 12 तारीख की घटना है, आप बता रहे हैं कि आप लोग
वही जब अब आप घर पे आए, माता जी आपके साथ थी, लड़का है जो आपके सारा टूटा हुआ मिला, हाँ जी, और सामान गायब था, सामान भी गायब है मेरा, और धमकी बराबर दे रहे हैं एक महीना तो बिल्कुल। आपने कोई पुलिस के पास फोन किया? हम पुलिस के पास कई बार गए, कई बार 100 नंबर फोन किए, कोई नंबर नहीं, कोई सुनी नहीं, कोई सुनी नहीं, ऊपर से उल्टा किया जा रहा है। खाली चाहिए आप तो पुलिस आई, पुलिस आई लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, कह रही उल्टा किया, मेरे को धमका के जा रही है। पुलिस कह रही है आप लोग ये नौटंकी कर रहे हैं, घर की खेती समझ रखी है, हाँ वो बूटा के सुना रहे हैं, और इधर बाल्टियाँ परेशान कर रहे हैं, और चीज़ें कर रहे हैं। ज़्यादा परेशान नहीं, इसके अलावा कहाँ कहाँ खाते हैं? मैंने कहा सीओ के पास में दिया जाके, और एसपी के पास में, और मैं कई मंत्री और डीजीपी सबको सबको दिया। इसकी जाँच इसकी जाँच अभी आपको खतरा है? मेरे को हत्या करने का खतरा आया, एक महीने से बराबर कॉल भी आए, कई हमारे फोन पे कॉल पे दिए मैंने, सीओ सबको भी सुनवा रखी है डिटेल कि गाली गलौज कर रहे हैं फिर, और उल्टा सीधे बोल रहे हैं। TV1 इंडिया न्यूज के लिए मसरूर खान के साथ दामोदर पाठक की रिपोर्ट, इटावा।